आम आदमी पार्टी ने नूरपुर के चौगान में तिरंगा यात्रा निकाली। आम आदमी पार्टी ने ये यात्रा प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार और माफिया राज के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता और प्रवक्ता सलीम मोहम्मद मौजूद रहे। सलीम मोहम्मद ने कहा कि प्रदेश के लोग भ्रष्टाचार और माफिया राज से त्रस्त है। ये रैली इसी बात का संकेत है कि लोग मौजूदा राजनीतिक दलों से परेशान है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो राजनीतिक उलटफेर हुआ है, ये इसी बात का संकेत है कि आने वाले समय में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और इसी लहर का फायदा हिमाचल में होगा। हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी का होगा। अब आपने देखा ही होगा कि 2022 के जो चुनाव है वो कुछ ही मंथ के बाद आने वाले हैं, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसका जो भ्रष्टाचार है, जो खनन माफिया, रेत माफिया, जितना भी है, जो लोगों का जो बेवकूफ बनाया जाता है, जब चुनाव होते हैं झूठे घोषणाएं की जाती हैं, उसके लिए आज नूरपुर में चौगान के अंदर जो है एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, रोड शो निकाला जा रहा है, जहाँ पे इतना यहाँ पे जन सैलाब आया है कि यहाँ पे मौजूदा सरकार को भी पता चल जाएगा आज कि जो आम आदमी है वो इस सरकार से कितना त्रस्त है। सलीम जी, अभी कल के हाल ही में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट का जो हाल हुआ है, सीएम को चेंज किया गया है, इसके बारे में क्या कहना है आप? बिल्कुल, पंजाब में देखा कि कल जो है सीएम जो है अमरिंदर सिंह का जो है वो चेंज किया गया, उसकी जगह जो है चरणजीत सिंह धरने को सीएम बनाया गया। ये एक बदलाव जो है, ये लोगों के लिए एक बदलाव है कि इनका आपसी ये सिर्फ सत्ता के लिए ही काम करते हैं, आम आदमी के लिए कोई काम नहीं करते हैं। और आने वाले 2022 का चुनाव है, जो अभी चुनाव होने वाला है पंजाब के अंदर, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और उसके बाद जो यहाँ पे लहर होगी हिमाचल के अंदर, तो यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ का जो मुख्यमंत्री होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा। और जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने भी वादे किए थे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वही मॉडल हिमाचल प्रदेश में ही रहेगा और आम आदमी को जो है राहत मिलेगी। आज बिजली की यहाँ पे तैयार होती है, लेकिन बिजली के बिल यहाँ पे महंगे हैं। यही बिजली का बिल जो हमारी जो बिजली 11 रुपये दिल्ली जाती है, वहाँ पे जो है 200 यूनिट फ्री है। तो आप देख सकते हैं कि जो पैसा भी वही है, बजट भी वही है, लेकिन नीयत होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी जो काम करती है नीयत के साथ काम करती है, आम आदमी के लिए काम करती है। यही आज जो यहाँ पे जो ये तिरंगा यात्रा रोड शो निकाला जा रहा है, आप मीडिया के माध्यम से आपने देखा कि यहाँ पे जन सैलाब खड़ा हुआ है, ये कांग्रेस और बीजेपी की भी जो है ये उनके लिए जो है खतरे की घंटी जो है आज साबित हुई है। आम आदमी पार्टी की तिरंगा रैली है और ये हमारी हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने सबसे बड़ी जो रैली रखी है उनमें से एक है ये। और आने वाले समय में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी विभिन्न राज्यों में तिरंगा रैली कर रही है, उसी की यहाँ पे हमने शुरुआत की है और अपने पूरे संगठन के साथ पूरी मजबूती के साथ कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर क्या है आपका जी? वो आपको देख के समझ ही आ रहा होगा कि पूरी विधानसभा की हर रैली अभी हम तैयारी करके बैठे। क्या ये जो रैली निकाली जा रही है, क्या दूसरी पार्टियों को ये आहट सुनाई देगी? बल्कि आप जो पार्टी है वो जहाँ पे काम करने जा रही है, आप बात का एक बड़ा छोटा सा जवाब दे देता हूँ कि आने वाले समय में जब यहाँ के सीएम का परिवर्तन होगा आपको अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि विभिन्न राज्यों में जहाँ पर आम आदमी पार्टी जा रही है वहाँ का सीएम जो है बदला जा रहा है। हिमाचल को लेके आपका क्या मेन लक्ष्य रहेगा? हिमाचल को लेके हमारा मेन लक्ष्य ये रहेगा कि हम 67 में से 67 जीते, 68 में से 68 जीते।